एक ये भाई ने क्वेश्चन किया कि ये 15वीं शब जो मुसलमान जागते हैं शाबान की, इसकी शरई हैसियत क्या है। देखें, दूसरे दलाइल से क़तअ नज़र मैं आसान सी बात आपको समझाता हूँ। मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है कि वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसे मुसलमान अच्छा समझें वो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक भी अच्छा है। और मुसलमान से मुराद सब यहाँ पर शामिल हैं, यानी उसमें मुफ्तियान किराम भी हों, उलमा हों, मशाइख हों और अवाम हों, सिर्फ अवाम का नहीं है एतबार। तो इसका मतलब देखें, अब ये 15वीं शब बेशुमार उलमा इसमें शामिल होते हैं, मुफ्तियान किराम हैं, इसकी बाकायदा उम्मत को इजाज़त दी गई है। इसको जायज़ तरीक़े से अल्लाह ताला की इबादत में तौबा करते हुए खौफ खुदा के साथ गुजारा जाए, तो इससे वही मना करेगा जो मिजाज शरा से नावाकिफ़ होगा। क्योंकि हर ज़माने का उर्फ बदलता है, लोगों की तबीयतें उनकी कैफियत बदलती हैं, और हर दौर में उलमा ने लोगों की तबीयतों और कैफियत पर बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद रखी है। मिसाल के तौर पे जितने भी आप मसाजिद ले लें, किसी भी मकतब फ़िक्र की ले लीजिए, उस पर गुम्बद और मीनार आपको ज़रूर नज़र आएगा। आप ज़रा पूछिएगा ये क्यों क्यों बनाया गया था, इसके पीछे भी उर्फ कार फरमा था। इसी तरीके से कुरान पाक पर ज़बर ज़ेर पेश लगाना, इसी तरीके से मदारिस का क़याम, फिर उनके सिलेबस का इंतखाब, इसी तरह हर मस्जिद को आप देख लें, पक्की मस्जिद है, उसकी डेकोरेशन की जाती है, सजाया जाता है, मस्जिद के अंदर मतलब कारपेट्स हैं, कालीन हैं, ये पहले कभी भी नहीं थे, क्यों ऐसा किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उर्फ बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं जो लोग इसके मना में शिद्दत करते हैं कि खुदारा लोगों को आने दें, लोग तो वैसी मस्जिदों में नहीं आते। हाँ, ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इसमें खुराफात में हिस्सा लेना वो बिल्कुल गलत है, और ऐसे ही मस्जिदों में आके सिर्फ नवाफिल पढ़ के निकल जाना ये भी मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। बल्कि बेहतर ये है कि दरस कुरान का एहतमाम हो, दरस हदीस का हो, इस्लाही बयानात हों, ताकि लोग जमा हों, सलातुल तस्बीह के नाम पर जमा कर लें या नवाफिल वगैरह के नाम पर, जुग दर जुग लोग आ जाएंगे शौक़ में, और फिर वहाँ अच्छा इस्लाही बयान हो ताकि लोग फ़र्ज़ नमाज़ों की तरफ आएँ। इन औकात को कैश करने की ज़रूरत है, इनको ज़ाया करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कौम कभी बाज नहीं आएगी। उसूल शरा आप देख लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जो रसूमात जो काम कुरान और हदीस के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, मिजाज शरा के ख़िलाफ़, उन्हें बिल्कुल लिया मिटा दिया, और जो ख़िलाफ़ नहीं थे, थोड़े बिगड़े हुए, उनको मिटाया नहीं है, उनकी इसलाह की गई है। जो अहले इल्म सुन रहे हैं, बाए सलम क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ रखी थी, उससे ज़रा मुझे बताएं, और फिर बाद में सहाबे कराम ने बाए इस्तिस्ना क्यों जायज़ करार दी थी, इसी क्या वजह थी। तो खुलासे कलाम ये है कि लोगों की आदत, उनके मिजाज को देखा जाए। इस वक्त लोगों की ये मिजाज और आदत बन चुका है, इसको अच्छे अंदाज से डील करना चाहिए ताकि लोग दीन की तरफ भी आएँ और तनफ़ुर पैदा ना हो, मसाइल पैदा ना हो। उम्मीद है कि अगर समझदारी से गौर व तफक्कुर किया जाए तो हमारी बात में थोड़ा बहुत आपको वज़न ज़रूर महसूस होगा।